हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज के क्लास में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ही जो ओआरओपी का बकाया भुगतान है या ओआरओपी के जो भी एरियर पेमेंट्स हैं उसके लिए एक नई समय सीमा या एक नई टाइमलाइन को सेट करा है क्या है ओ आर ओ पी क्यू इसको रिले, सेंट्रल गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या आ, आप बोल सकते हो क्या क्या आर्ग्यूमेंट दिए हैं इन फेवर अगेंस्ट इट और इसी के साथ साथ जो भी एक सर्विसमैन है उनके क्या क्या डिस्कशन है क्या क्या ग्रीवियंसिस हैं विद रिस्पेक्ट टू ओ अगर हम बात करें इस पूरे सिचुएशन की तो जो हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस हैं डी वाई चंद्रचूड़ Uh, वो एक बेंच को हेड कर रहे थे जहां पर उन्होंने ये बोला कि भाई सेंटर ने जो सील्ड कवर नोट की डिमांड करी थी फॉर द पेमेंट ऑफ ओआरओपी ड्यूज उसको रिजेक्ट कर दिया गया है और ये बोला कि भाई आप एक टाइमलाइन प्रोवाइड कीजिए ताकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को स्पेसिफिकली बोला गया जितने भी एरियाज़ बचे हैं एक सर्विस पर्सनल के अलग अलग हेड्स के अंदर उसको कैटेगराइज करके आप इनका पेमेंट का भुगतान कीजिए यूनियन गवर्नमेंट ड्यूटी बाउंड है यूनियन गवर्नमेंट को कंप्लाई करना पड़ेगा विद द जजमेंट ऑफ द कोर्ट जहां पे उनको ओ स्कीम के टर्म्स के साथ आना ही पड़ेगा और जो भी की गई थी टू द एक्स सर्विसमैन जो भी एरियाज बोले गए थे वो उनको देने ही पड़ेंगे अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है ओ है क्या जब हम वन रैंक वन पेंशन स्कीम की बात करते हैं तो भाई क्या है ये योजना किसके लिए या किस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए भारत सरकार इसको लेकर आई थी अगर हम ओ की कंटिन्यूसली बात करें ओआरओपी इंप्लाई करती है पेमेंट ऑफ द सेम पेंशन टू द आर्म फोर्स पर्सनल जो सेम रैंक uh, पे थे और जिनका लेंथ ऑफ सर्विस सेम था फर्क नहीं पड़ता उनका रिटायरमेंट कब हुआ ओआरओपी को क्यों लेकर आए ओआरओपी का मतलब है समान पद समान सेवा काल फर्क नहीं पड़ेगा डेट ऑफ रिटायरमेंट 1985 था 2005 था 2015 था अगर 15 साल की सर्विस है और आप लोग रिटायर हुए हो फ्रॉम द पोस्ट ऑफ अ मेजर और अ लेफ्टिनेंट और अ कैप्टन आपको सेम पेंशन मिलेगी ओआरओपी की डिमांड एक सर्विस मैंने इसीलिए करी ताकि जो भी डिस्पैरिटी होती है पेंशनस के मध्य नजर जो असमानता थी उसको दूर किया जा सके इसी के साथ है तो उन्होंने बोला था कि भाई आर्म फोर्सेस के जितने भी रिटायर्ड पर्सनल हैं उन्होंने बोला कि हम बहुत सालों से रिटायर्ड है जो पेंशन की जो पैरिटी है जो डिस्पैरिटी हमको देखने को मिल रही है हमको इससे गलत है हमको ये खराब लगता है गलत लगता है और ये एक ऐसा मुद्दा है ट्रैक्शन गेन करने के लिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो का मेन मुद्दा बनाया था आर्ग्यूमेंट्स या पक्षवाद क्या दिया गया कि ऑल दी आर्ग्यूमेंट्स वर गिवन इन फेवर ऑफ ओ वो क्या क्या थे एक बार वो देखते हैं ये बोला गया कि भाई जितने भी पे कमीशन आएंगे हर पे कमीशन ने बोला कि जो तो डिफरेंस है पेंशन ऑफ प्रेजेंट और पास्ट पेंशनर्स का वो बहुत हो गया अब भाई 1985, 2015, 2005 इन तीन चार साल को अगर हम लेके कंसिडर करें और जो लोग सेम आ, सेम रैंक से भी रिटायर हुए जो पेंशन उनको मिलती हैं वो चेंज हो गई है डिस्पैरिटी बहुत है भाई 1985 1995 वाले जो रिटायरमेंट हुआ है जिसका उसको 2015 2005 वाले से कंपैरिजन में बहुत कम पेंशन मिलेगी जिस वजह से जस्टिस इक्विटी ऑनर नेशनल सिक्योरिटी इन सारे इश्यूज को उठाया जो भी हमारे एक सर्विसमैन थे उन्होंने बोला कि लोअर स्टेटस है उन तो पर है, है, भी इसका फर्क पड़ता है अलॉन्ग विद ये चीज बोली गई कि आर्मी पर्सनल का जो करियर है कंपेरेटिवली शॉर्ट होता है और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो 60 साल की उम्र पर रिटायर नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू सिविलियन उनकी रिटायरमेंट एज काफी कम होती है देखा जाता, जाता है इन द लाइट ऑफ मेकिंग मॉरल ऑब्लिगेशन है स्टेट का सोसाइटी का इन गिविंग बैक टू द आर्म पर्सन जिन्होंने अपना यूथ अपनी पूरी जवानी देश के लिए कुर्बान कर दी तो ये सोसाइटी का देश का काम है कि अब बुढ़ापे में उनका ध्यान रखा जाए के खिलाफ क्या बोला गया कि ये बोला गया कि भाई अगर हमने इस ओ आर ओपीम को इंप्लीमेंट कर दिया वन रैंक वन पेंशन स्कीम को ये एक ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन होगा पे जो हमारा राजकोष है उस पर वित्तीय बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्यों लगभग आठ हजार से आठ हजार से दस हजार करोड़ तक का रिविजन आएगा सैलरी में क्योंकि हर किसी की सैलरी इंक्रीज करनी पड़ेगी टू मीट द प्रेजेंट स्टैटर्ड ऑफ पेंशन कुछ लोगों ने आर्ग्यू करा कि कंपैरिजन सिविलियन से करना खराब है क्योंकि आर्म फोर्सेस को बहुत सारे और भी अलावेंसेज मिलते हैं जो सिविलियंस को नहीं दिए जाते हैं इसी के साथ साथ डिमांड की गई कि भाई इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी शामिल करो जैसे सी हो गया असम राइफल्स हो गया एस एस बी हो गया आई टीबीपी हो गया पुलिस फोर्सेस ने भी सेम डिमांड करना शुरू कर दिया कि भाई हमारे सर्विस कंडीशन भी तो उतने ही टफ होते हैं और अगर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया एक एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज भी आ सकता है क्योंकि हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसकी कहीं ना कहीं तो कमी है करंट स्टेटस की अगर हम बात करें कि एज ऑफ नाउ ओ आर ओपी का क्या स्टेटस है पेंशन को रिफिक्स किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम पेंशन उन लोगों के लिए जो 2013 में रिटायर हुए हैं पेंशन ऑफ दैट पर्सन हैज बी अब द एवरेज वो इंटैक्ट रखी जाएगी इसी के साथ साथ रिव्यू की जाएगी पेंशन हर पांच साल में पर्सनल जो वॉलंट्री प्रीमियम रिटायरमेंट लेते हैं वो ओ के लिए उनपे लागू नहीं होगा ये पर्टिकुलर स्कीम इसी के साथ साथ गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एक मेंबर का ज्युडिशियल कमीशन जो देखेगा कि भाई क्या क्या अनोमलीज़ आ रही हैं अगर हम ओ को इम्प्लीमेंट करते हैं अब इन सब के बाद क्या एक सर्विसमैन के उनको क्या क्या चीजें लगी कि हम इन सारे इश्यूज पे डिस्कशन कर सकते हैं उनको लगा कि पेंशन को फिक्स करने के बजाय एक एवरेज ऑफ मैक्सिमम और, और मिनिमम पेंशन दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला आप मैक्सिमम पेंशन को कंसिडर करो और आप एवरेज को कंसिडर मत करो वेटर ने बोला कि जुडिशियल कमीशन को मल्टी मेंबर बनाओ एक आदमी का मत बनाओ जिसमें वेटर भी होने चाहिए आर्म फोर्सेस के रिटायरमेंट द अजय विक्रम सिंह कमेटी जहां पर यह बोला था कि जो एज प्रोफाइल ऑफिसर्स का वो कम कर दिया जाए पांच साल के रिव्यू की जगह आप एक एनुअल रिव्यू दो एक सर्विसमैन ने यह भी डिमांड करी कि जो की जो रेट ऑफ पेंशन है एनुअली रिव्यू होना चाहिए ना कि पांच साल पे इन सारे ग्रीवेंसेज के बाद जो भी एरियज आते हैं पेमेंट के या एरियाज ऑफ पेमेंट्स रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला कि भाई हम कोई सील्ड कवर वाला कुछ भी खेला नहीं खेलने वाले हैं वी विल बी जस्ट वेरी क्लियर आपको टाइम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं बट यू विल स्टिल हैव टू पे दीज पीपल द एरियाज विच आर रिमेनिंग

कोड यूज कर सकते हो शिव लाइफ फॉर फ्री एनरोलमेंट आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही लाइक दिस वीडियो शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड डू सब्सक्राइब यूर अकेडमी यूपीएससी अनस्टॉपेबल थैंक यू सो मच एंड हैव अ डे एवरीवन